पैसा बोलता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज इसकी एक वानगी भी देख लीजिए कि कैसे पैसा कभी भी किसी को मुर्दा और जिंदा कर सकता है। इंसान का जमीर इतना मर चुका है कि जमीन जायदाद व पैसों के लिए अपनी बहन बेटी और भतीजी को पलक झपकते ही स्वर्गवासी बना सकते हैं। ये तो कुछ नहीं, यूपी नौकरशाही इतनी घिनौनी हो चुकी है कि घूस के चंद रुपयों के लिए भी ये किसी को मौत के घाट उतारने को तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, जब आप पूरी सच्ची घटना सुनेंगे तो आपका भी सर चकरा जाएगा, क्योंकि ये सब योगी राज में हो रहा है, जहां कानून का राज होने का दम भरा जाता है। इस सरकार में नौकरशाही कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा मामला चित्रकूट धाम मंडल आयुक्त कार्यालय का है, जहां एक युवती अपने पति के साथ न्याय की गुहार लगाने आई थी। युवती ने बताया कि वह हमीरपुर जिले के इंगोहटा गांव की रहने वाली है। कुछ ही महीनों पहले उसके पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद पिता की जायदाद का विरासत नामा बना, जिसमें उसका भी नाम था, और करीब 7 बीघे जमीन उसके नाम आई। लेकिन उसकी माँ, भाई और चाचा ने राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों से सांठ गांठ कर उसे मृत दिखाकर जमीन अपने नाम करा ली। कागजों में भी मृत घोषित कर दिया, जिसकी जानकारी जब उसे लगी तो वह तुरंत शिकायत लेकर जिले के अधिकारियों के पास गई, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं उसके घर वाले उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फिलहाल पीड़िता ने कमिश्नर कार्यालय में शिकायती पत्र देकर आगे कोर्ट केस करने की बात कही क्या है। नाम है आपका? गौरी से। कहाँ से आई हैं? इंगोटा से। क्या शिकायत लेके आई हैं? कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं शिकायत लेकर। क्या समस्या है? जमीन मेरे नाम थी, मुझको मृतक घोषित करके मेरी माँ और नाबालिग भाई और चाचा के द्वारा षड्यंत्र कर कर उन्होंने अपने नाम जमीन करवा ली। शिकायत वहाँ जिले में आपने हमीरपुर में की, वहाँ थी, कोई कुछ बताने के लिए तैयारी नहीं है, तब यहाँ आया ना कमिश्नर सर के यहाँ शिकायत करने आया। अच्छा, तो और क्या घर वाले कुछ परेशान वगैरह भी करते हैं क्या? हाँ, धमकी देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? मुझको मेरे पति की जान को कोई खतरा होगा तो इसकी जिम्मेदारी मेरे चाचा और मेरी माँ होंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।